अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं अरबिक मंदी की रेड सॉस। बहुत मज़े की बनती है, आप इसको अलग चीज़ों के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, पुलाव वगैरह के साथ भी अच्छी लगती है। बहुत इजी है इसे बनाना। और सबसे पहले आपने क्या करना है, गार्लिक ले लेना है, लहसुन को डाल देना है ब्लेंडर में, उसके साथ टमाटर, जितनी आपको ज़्यादा बनानी है उतनी आप ज़्यादा बनाओ। यहाँ मैंने कुछ 8 टमाटर लिए थे। टमाटर डालने के बाद इसमें एक अदद प्याज डाल देंगे। इसको हर चीज़ को इसमें डालते जाना ब्लेंडर में। 1-2 मिर्ची डालनी है। इसके बाद इसमें खटास देने के लिए थोड़ी सी लेमन जूस डाल सकते हैं, आप चाहे तो वो बॉटल को भी डाल दें, मैंने फ्रेश यूज़ किया। थोड़ा नमक डाल देंगे हम और ज़ीरा डालेंगे, जिससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। आपने इसे ब्लेंडर में डाल देना है और इसके बाद इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे ताकि उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी बेहतर हो जाए, वरना वो बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी बनती है। अच्छे से आपने इसे ब्लेंड कर लेना है 1-2 मिनट के लिए, जब तक जो है ना वो बिल्कुल अच्छे से कंबाइन नहीं हो जाते, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल अच्छी नहीं हो जाती। इसको आपने बाउल में निकाल देना है। बहुत मज़े की बनती है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने इसे जो है ना वो सीख कबाब बनाए थे, इसकी भी रेसिपी जल्द आ रही है। सीख कबाब मैंने बनाए थे चिकन के, उसके साथ मैंने जो है ना वो राइस बनाए थे मंदी के। तो मैं जो है ना इसके बाद मैंने इसकी प्लेटिंग की है। बहुत मज़े की, आप इसे अनारदाना डाल के और जो है ना वो सॉस डाल के, और इसका चाहे तो आप अलग से ग्रीन चटनी भी आती है वो भी मैं बनाना सिखाऊंगी। बहुत अच्छा लगता है ये, अपने घर वालों के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।